तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं आपके साथ एडवांस एक्सेल, और एडवांस एक्सेल में हम बात करेंगे पिक्चर लुकअप। तो पुनीत जी, संग्राम जी, हमने लास्ट क्लास में आपके साथ जो डिस्कस किया था वो यही किया था ना? जी सर। ओके, तो हमने पिक्चर लुकअप हमें करना था, राइट? यस। हमने पिक्चर लुकअप की वीडियो भेजी थी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। चलिए बात करते हैं, छोटी सी टॉपिक है लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं। एक फाइल हम ओपन करते हैं। तो बेसिकली पिक्चर, पहले पिक्चर लिंक के बारे में जानिए, देन हम पिक्चर लुकअप के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि पिक्चर लिंक क्या होता है। एक छोटा सा डेटा मैं आपको लेता हूं, फ्यूचर में आपको समझाता हूं। सर पुनीत। हाँ पुनीत जी, कैसे हैं? बस बढ़िया सर, आप कैसे हो? हम भी ठीक है सर। वो लॉग इन जो मैं लास्ट क्लास में आपको जो वीडियो लिंक भेजी थी ना सर, वही हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है सर जी। पिक्चर्स के बारे में कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं, डेटा पेस्ट कैसे करते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ पिक्चर को पेस्ट कैसे करते हैं और पिक्चर को लुकअप कैसे करते हैं। थोड़ा सा आज ट्रिकी है। रिकॉर्डिंग की सर? ठीक है, मैंने अलाउ कर दिया जी। ओके, तो एक छोटा सा डेटा हमने बनाया हुआ है जो आपके सामने दिख रहा है। अब जनरली इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, ये तो हम करते हैं जो क्लास क्लास में मैंने बताया आपको। बात कर रहे हैं इसको पिक्चर में कन्वर्ट करने की, इस एरिया को इमेज में, पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट स्पेशल में, यहाँ पे हमारे सामने होता है पेस्ट जे पिक्चर, हम पिक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? लेकिन पिक्चर में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि इसको हम बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। तो पिक्चर में कन्वर्ट करने का मोटिव ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम एक बहुत बड़े डेटा को एक छोटे से एरिया में हम शो करना चाहते हैं, एक बड़े डेटा को छोटे से एरिया में हम कवर करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए हम छोटा करते हैं इसको, मान लीजिए इसी को छोटे करता है तो पूरा कॉलम छोटा होगा ना सर, इसके नीचे हो सकता है बहुत बड़ा डेटा लिखा हो। सो इस एरिया में करना है तो इसको हम पिक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको जहां रखना है, जिस सीट पर रखना है उस सीट पे जाते हैं और वहां पे हम इसको उठाया हमने और यहाँ पे ले गए, पेस्ट किया, और इसको जितना बड़ा करना है बड़ा कर लीजिए, जितना छोटा करना है छोटा कर लीजिए। इमेज की तरफ थोड़ा सा तिरछा करना है तिरछा कर सकते, इमेज की तरफ वर्क करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर डेटा बार बार चेंज होता रहता है, मतलब कि मान लीजिए कि अगले दिन कुछ और है, उसके अगले दिन कुछ और है, तो आपका इमेज जो है वो चेंज नहीं होता है, इमेज आपकी चेंज नहीं होती है। तो उस केस में हम इसको कॉपी करते हैं
कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक करते हैं, देखा आपको पिक्चर लिंक, सेम सीट या अनदर किसी सीट पे या अनदर किसी फाइल पे हम पिक्चर लिंक कर देंगे तो इससे लिंक हो जाता है। जैसे मैं मान लीजिए कि 10 को मैंने यहाँ पे 90 करके एंटर मारा, आप यहाँ देखेंगे 1090 हो गया। यहाँ तक कि मैंने मान लीजिए कुछ कलर चेंज किया, मैंने यहाँ पे उठाया और कुछ कलर चेंज किया, तो इस पिक्चर का भी कलर चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए जुलाई के बाद मैं अगस्त का डेटा में एंट्री करता हूँ, तो इसमें नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिए हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक चार्ट या कुछ भी हो, एक कनेक्टेड होता है आपके फॉर्मूला से। तो ऊपर देखिए फॉर्मूला दिख रहा है, तो मैं अगर 8 को 9 कर दूं, यहाँ पे 9 कर दूं, एंटर प्रेस करो, तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया। इसको अब हमने एक्सेल पे कर लिया, लेकिन अगर मान लीजिए वर्ड है, पावर पॉइंट है, अब हम एमएस वर्ड पे जाते हैं, एमएस वर्ड पे या हम पे कॉपी करते हैं, इसको कॉपी कर लिया हमने, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक फॉर्मेट कर लीजिए। अब मैं जैसे यहाँ पे चेंज करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 120 किया, तो आपका वर्ड में भी 120 हो जाएगा। ऐसे पावर पॉइंट, ऐसे आउटलुक आप चेंज कर सकते हैं। ये तो जनरली सी बात है, हम बात करें पिक्चर लुकअप की। अच्छा आप लोगों में से वी लुकअप किसको आता है? मेरे को आता है। वी लुकअप पे हम डेटा लुकअप करते हैं, राइट? जी। अगर फोटो लुकअप करना हो तो? कभी किया नहीं है सर। देखिए मैंने नहीं, क्या होता है कि आप फोटो को लुकअप नहीं कर सकते, समझे? मैं एक चीज करना चाहता हूं, मेरे पास क्या हुआ कि मैंने कुछ दिन पहले एक स्कूल का मैंने बना रहा था, एक डेटाबेस बना रहा था, तो उसमें क्या था कि इम्प्लॉय रोल नंबर डालते हैं, इम्प्लॉय की पूरी इसकी रोल नंबर डालते ही, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया नेम, फिर रोल नंबर, रोल एंड यहाँ पे कर दिया फोटो, तो रोल नंबर डालते ही उसका डिटेल्स तो वी लुकअप से आ जाता था, लेकिन मुझे उनके फोटोग्राफ भी चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ पे पिक्चर लुकअप का इस्तेमाल किया था। तो मैं वही आपको दिखाने जा रहा हूँ करके, मैं अपना कुछ फोटोग्राफ मैं लेता हूँ, कॉपी में ठीक, कोई भी पिक्चर जो है, जैसे पिक्चर लिया हमने, तो किसी सेल का वैल्यू नहीं होता है, वो उस सेल के ऊपर होता है, सेल की वैल्यू नहीं होती है। मैं ज्यादा नहीं, 3-4 फोटो लेता हूं, मैं ज्यादा रेन लूंगा, मैं तो दल में टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस ये 4 ही लेता हूँ।
रोल नंबर यहाँ दे दिया, 1, 2, 3, 4। अब जैसे कि और भी डेटा नेम वगैरह भी हो सकते हैं, तो शो में अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर डालू 1, तो वी लुकअप से बाकी नेम वगैरह तो उठ के चला आएगा, बट वी लुकअप आपको फोटोग्राफ नहीं देगा। तो सो मैं चाहता हूं कि इसका फोटोग्राफ भी लुकअप होके आ जाए। तो कैसे होगा, तो इसमें हम इस पिक्चर लिंक का जो है, ये पिक्चर लिंक जो है, इस मेथड का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक किसी पिक्चर को यहां से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम शो पे आते हैं, और पेस्ट स्पेशल में आते हैं। पेस्ट स्पेशल यानी नीचे पेस्ट एज लिंक करते हैं, ठीक है। तो हमने बताया आपको जैसे पहले कि हर एक पिक्चर एक्सेल एक लिंक में एक एड्रेस से कनेक्टेड होता है। तो यहां भी जो पिक्चर है वो यह एड्रेस B2 से कनेक्टेड है, समझे। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं जैसे ही मैं यहाँ B2 है, अब मैं चाहता हूं जैसे मैं 2 करूं तो यहाँ पे दूसरे का फोटो आ जाए, 2 नंबर रो का जो है उसका फोटो आ जाए, इसका ये फोटो आ जाए। तो मतलब कि जब मैं 2 यहाँ टाइप करूं तो इसका जो एड्रेस है B2 से B3 हो जाना चाहिए। कैसे होगा, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है मैच का, मैच फॉर्मूला हमने लगाया और हमने बोला कि लुकअप वैल्यू बताइए इस 2 नंबर रोल नंबर 2 को फोटोग्राफ में कॉलम A के अंदर में आप मैच कीजिए। अगर एग्जिस्ट करता है तो A क्या करेगा, उसका रो सीक्वेंस नंबर 3 दे देता है। अब यहां पे मैंने क्या किया, मेरे पास ऑलरेडी 2 है तो मैंने इन दोनों इसको इन्वर्टर कॉमा में रखा और कॉनकैटेनेट मतलब कि ज्वाइन फंक्शन से इन दोनों को ज्वाइन करके एड्रेस बना दिया B3। मतलब कि मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 डालू तो B2, तो जो रोल में डालना उसका जो रो नंबर है वो रो नंबर यहां जनरेट हो रहा है, ओके। अब प्रॉब्लम है कि ए जो चीज यहां हो रही है इसके अंदर कैसे ले जाऊंगा मैं। सबसे पहली बात, 2 प्रॉब्लम है यहां पे। पहली प्रॉब्लम है जो ए फोटोज B5 है, ए एक्सेल के लिए टेक्स्ट है, ABCD है। एक्सेल बिल्कुल इस चीज को समझ नहीं रहा है कि एक किसी तरह फोटो का बी कॉलम के 5 नंबर रो है। इसको समझाने के लिए यहां इनडायरेक्ट फॉर्मूला है, इनडायरेक्ट फॉर्मूला में अगर इसको डालते हैं तो समझ में आता है कि हाँ बी कॉलम के 5 रो है। तो इनडायरेक्ट चीज को समझाता है, मतलब कि वो टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करता है। तो मतलब कि मुझे फोटो पे जाना है, यहां पे मुझे फोटो के ऊपर जाना है और इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर फोटोज कॉनकैटेनेट मैच फॉर्मूला लगाना है। मैच ये रोल नंबर को सिलेक्ट करता हूं, फोटोज में आता हूं, कॉमा 0 कर देता हूं। बट छोटी सी प्रॉब्लम है कि पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक के अंदर जो एड्रेस है वो कहता है कि वो फॉर्मूला जो है, यहां देखिए फॉर्मूला इज मिसिंग रेंज एंड डिफाइन नेम, सिर्फ रेफरेंस ले सकता है A1 B1 C1 या डिफाइन नेम ले सकता है।
रेफरेंस मेरे पास है नहीं, डिफाइन नहीं मिल सकते, मतलब कि कोई फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर इसको मैं कॉपी करके बाहर निकालता हूं। तो फॉर्मूला बार में हमारे पास डिफाइन नेम होता है, इसी में मैं यहाँ पे पीएच नाम से डिफाइन कर दिया और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया उस फॉर्मूले को जो फॉर्मूला हमारा वहां था। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि आप यहाँ अगर फॉर्मूला पेस्ट कर रहे हैं तो इसका जो एड्रेस है सी फोर है, सही है, ये सीरीज होना चाहिए, देख लीजिएगा। तो मैं ये फॉर्मूला जो फोटो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उसी फॉर्मूले को डिफाइन नेम में डाल दिया। एस एस तो ऑलरेडी है, डबल एस एच कर दिया। डिफाइन नेम में कर दिया। अब जो है मैं यहां पर रोल नंबर वन करता हूं, एक मिनट, अब यहां मैंने इक्वल एस एच एच कर दिया, जो नेम डिफाइन किया था उस नेम को ले लिया। अब मैं यहाँ पे वन लिखता हूं, देखिए वन का फोटो, टू लिखता हूं टू को फोटो, थ्री लिखता हूं थ्री का नेक्स्ट फोटो, फोर लिखता हूं तो फोर का फोटो आता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मेरे लिए, मुझे थोड़ी और एक बात बताएंगे आपसे। हाँ मैं बताता हूँ। अमित जी आपको समझ में आया सर? नहीं मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, राइट? नहीं आया सर। देखिए मैं समझाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो ज्यादा देखा था, इसलिए आपने संग्राम जी देखा था सर? मैंने आप जो वो एक दो डैशबोर्ड बना के उसमें शो कर रहे थे, मैंने किया था, अभी ट्राई किया था, मगर वो फॉर्मूले में कुछ होता है दिक्कत आ गई, वो वहां पर शो भी नहीं किया। इसमें दो तीन चीज समझिए, दो तीन चीजें समझिए। सबसे पहले कि कोई भी पिक्चर आएगी तो वो फॉर्मूले से आएगी, समझ गया ना? जैसे कॉपी किया और पिक्चर लिंक से आएगी, जो भी फोटो आनी है पिक्चर लिंक से आएगी, राइट? तो यहाँ पे मैं पिक्चर लिंक कर लिया। अब ये फोटो जो है वो एक एड्रेस से आता है, जो फोटो दिख रहा है ना, फोटो नाम का सीट है, बी कॉलन है एंड टू नंबर रो है। मुझे बस इस रो नंबर को ऑटोमेट करना है कि ये रो नंबर हमारे रोल नंबर के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता जाए। समझ आया सर? हेलो, हाँ हाँ बात क्लियर है जी सर। तो हम रो नंबर कैसे पता चले, तो इसके लिए हमारे पास मैच का फॉर्मूला है। मैच का फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी सेल वैल्यू को सीट के रेंज के अंदर ढूंढता है, रो एंड कॉलम नंबर देता है। तो मैच फॉर्मूला समझ में आ गया? तो हमारे पास सीट नेम एंड कॉलम नेम था, तो सीट नेम एंड कॉलम नेम को हमने क्या किया, इनवर्टेड कॉमा में डाल दिया और इस मैच के रिजल्ट को आपस में ज्वाइन कर दिया। एंड क्या करता है, ज्वाइन करता है, जैसे कि सुजीत अलग लिखा हुआ है और कुमार अलग लिखा हुआ है, तो इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो सुजीत को सिलेक्ट कीजिए, एंड पर्सन का साइन लीजिए और कुमार को सिलेक्ट कीजिए। अरे सुजीत कुमार से इकट्ठा हो गया ना सर, ज्वाइन हो गया। तो मुझे 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 सीट नेम एंड कॉलर नेम पता था, तो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने सीट नेम एंड कॉलर नेम डाल दिया। रो नंबर जो है, रो नंबर मुझे मैच में दे दिया, बस समझे? अब बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो नंबर है आपका, इसमें आपका जो नंबर है, अरे जो नंबर के साथ कंबाइन होकर पूरा एड्रेस दिया है, एक्सेल इसको मानता ही नहीं। जैसे मान लीजिए ना कि आपने इक्वल ए वन किया, ए वन को रेफरेंस कर दिया ना सर इसने, अब ए वन के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ शो हो जाएगा जी। लेकिन इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया ए वन, अब मैं चाहता हूं कि मैं इक्वल इसको सिलेक्ट करूं तो A1 रेफरेंस मान के उसका वैल्यू दे दे, तो एक्सेल इस चीज को नहीं मानेगा, एक्सेल मानेगा कि A1 ही है, इसने A1 को शो कर दिया।
तो एक्सेल में बताना है कि भाई A1 कोई टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे डाली गई A1 कोई टेक्स्ट नहीं है, A1 नाम का रेफरेंस है। इस चीज को बताने के लिए इनडायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इनडायरेक्ट फॉर्मूले में उस एड्रेस को रख दीजिए तो उस एड्रेस को पिकअप करके देखिए रिजल्ट दे दिया। तो यहां वही आपको इनडायरेक्ट लगेगा, मतलब कि जो फॉर्मूला हम देंगे वो फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला हम देंगे आपको, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला होगा कुछ इस तरह से। इसके अंदर हम D4 हमने पेस्ट कर दिया और इस सारे फॉर्मूले को इनडायरेक्ट में डाल देता हूं। ठीक है सर, तो फॉर्मूला टोटल ये होगा कि इनडायरेक्ट के अंदर में फोटोज V5 को मैच के रिजल्ट के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। पर प्रॉब्लम है कि ये सारा फॉर्मूला जो यहां दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला हमें कहां डालना है, इस फोटो के अंदर, राइट। बट पेज फोटो क्या है, पेज से जो पिक्चर लिंक है, बट पेज एज ए पिक्चर लिंक करता है कि भाई मैं किसी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता हूं, आप मुझे डिफाइन किया हुआ नाम दीजिए या फिर डायरेक्ट A1 C1 दीजिए, मैं कोई फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करूंगा, साफ बोलता है। बट डिफाइन लिंक कहता है कि आप मेरे अंदर फॉर्मूला डाल सकते हो, तो मैं ये फॉर्मूला मेनू बार में एक डिफाइन नेम पे गया और एक फॉर्मूला बना, एक डिफाइन नेम बनाया, और उस डिफाइन नेम में हमने क्या किया, वो फॉर्मूला को पेस्ट कर दिया। तो डिफाइन नेम ने क्या किया, ये सारे फॉर्मूले को परफॉर्म किया और फोटोज के B3 को रेफर कर दिया, और फिर हम फोटो के ऊपर गए और इस रेफरेंस को डिलीट किया और जो डिफाइन नेम किया था SSH उसको डाल दिया। अब जैसे मैं रॉ नंबर यहां डालता हूं 1 डाला, तो मैच ने क्या किया, इसका रॉ नंबर दे दिया, इसको आपस में मैच कर दिया और फिर इनडायरेक्ट ने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया रेफरेंस में, और ये सारा किस्सा किसको मिला, SSH को, और SSH ने एक फाइनल जो है फोटोज V2 का रेफरेंस बना के किसको दे दिया, इस पेज से पिक्चर ने। तो जैसे मैं यहां पर नंबर डालूंगा चेंज होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसके लिए मुझे डेटा बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा और यहां पे नेम, इन दोनों को मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर दे देता हूं। मैंने अब इसे कि दो हो गया, अब मैं चाहता हूं एक अलग सीट पे यहां पे सेलेक्ट, मैं यहां पे अगर नेम लिखूं तो मुझे ए पूरा रिकॉर्ड आना चाहिए, अगर मैं यहां पे मंथ लिखूं तो फिर मंथली रिपोर्ट है, ये जो मंथली रिपोर्ट है मंथली रिपोर्ट आना चाहिए, समझे। तो मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहां इसको पेज सजे पिक्चर लिंक कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि पेज सजे पिक्चर लिंक कर दिया तो ये थोड़ा सा बहुत लंबा है ना सर, नेम एड्रेस, मुझे मान लीजिए अगर मंथ वाइज है, मुझे अगर नेम वाइज चाहिए तो इसका जो है नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहां से नेम वाइज करना है तो A14 to B18,
तो मुझे यहाँ जाके A14 और B18 करना पड़ेगा, तो जाके आएगा। उससे अच्छा है कि हमने इन दोनों का एक शॉर्ट नेम डिफाइन कर दिया। तो फॉर्मूला बार में डिफाइन नेम क्या करता है, पूरे एरिया को एक शॉर्ट नेम दे देता है। इसका नाम मैंने मंथ दे दिया और इसका नाम मैंने नेम दे दिया। तो अब देखिए एक्सेल क्या है, दोनों का एक निकनेम दे दिया। आप जो सिलेक्ट किए उन्होंने नहीं, ऊपर सेल वैल्यू, सेल वैल्यू अपने आप पिक कर लेता है। अच्छा। पहली सेल वैल्यू बना चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली सेल वैल्यू है ऑटोमेटिक वो डाल देता है, आपको वही रखना है तो ठीक है, तो भाई चेंज कर लीजिए। तो मुझे वही रखना था तो वही ले लिया मैंने। ठीक है, इन दोनों का एक शॉर्ट नेम हो गया, निक नेम हो गया। तो मुझे यहां आसानी होगी, डिफाइन नेम कर लिया तो यहां आसानी होगी। मैं यहां पे नेम डालू तो नेम वाइज आएगा, मैं यहां पे मंथ डालू तो मंथ वाइज आएगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूं, मैं यहां नहीं डालना चाहता हूं, मैं यहां सीट पे डालना चाहता हूं। मुझे डालने के लिए क्या करना होगा, पिक्चर को सिलेक्ट करके फिर यहां टाइप करना पड़ेगा। मैं यहां पे डालना चाहता हूं या मैंने डेटा वैलिडेशन लगा रखा है, मैंने यहां पे मैं इसे करना चाहूंगा। बट प्रॉब्लम वही है कि अगर मैंने यहाँ पे B3 कर दिया ना, यहाँ पे मैं B5 किया तो B5 को ही शो कर देगा ना सर, B5 को ही शो कर देगा। मुझे ये बताना है कि B5 पे डली गई वैल्यू सेल का निकनेम है, वो शो करो। ये चीज तो नहीं कर पाएगा क्योंकि सो नेम को टेक्स्ट ले रहा है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला बताएगा कि B5 जो है एक रेंज है। बट प्रॉब्लम यही है, ये पेज से पिक्चर लिंक आला बैठा है कि नहीं, मैं तो डिफाइन नेम लूंगा या सेल एड्रेस लूंगा, मैं तो कोई फॉर्मूला लूंगा ही नहीं। तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में मुझे फॉर्मूला मेनू बार में जाना होगा, डिफाइन नेम में जाना होगा, एक नाम ऐसे देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जूम बंद हो जाएगा तो आप लोग दोबारा से रीज्वाइन कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे आरआर किया और हमने यहाँ पे क्या किया, इन डायरेक्ट, और इसमें हमने इसको सेलेक्ट कर लिया नेम। अब देखिए, अब फिर इस पे मैंने बोला आरआर, आ गया सर। अब नेम की जगह पे मैं यहां पे मंथ दूंगा तो मंथ आएगा, नेम डालूंगा तो नेम आएगा। सर आप आरआर इसको किए, अभी आरआर का सेल मतलब जो आप आरआर नाम का डिफाइन नेम लिया, मैंने आरआर नाम का डिफाइन नेम लिया और उसके अंदर हमने ए इनडायरेक्ट सीट B3 लिया, क्योंकि ये नेम है, ये